आज हम अपने सोशल साइंस के क्लास में अच्छे शिक्षक के गुणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने अच्छे शिक्षक के गुणों में शैक्षिक गुण और व्यावसायिक गुणों का अध्ययन किया था, आज हम व्यक्तिगत संबंधी गुण तथा संबंध स्थापित करने संबंधी गुण का अध्ययन करेंगे कि ये अच्छा शिक्षक जो है उसमें व्यक्तित्व संबंधी गुण कैसे होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए तथा संबंध स्थापित करने संबंधी गुण और विशेषताएं क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले इसमें आएगा व्यक्तित्व संबंधी गुण में वेशभूषा, यानी एक जो अच्छा अध्यापक है, अच्छा शिक्षक है, उसकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करे। यानी उसका उसकी जो वेशभूषा होती है वह उसका चरित्र का जो है वो निर्माण करती है तथा चरित्र बताती है कि अध्यापक की जो वेशभूषा है वह उसके चरित्र का बखान करती है कि उसकी जो सीधी सादी और सिंपल जो वेशभूषा होती है उसके चरित्र के विकास को करती है तथा चरित्र को बताती है। उसके बाद है अच्छा स्वास्थ्य, यानी एक अच्छे अध्यापक के गुण का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह अपना कार्य जो है 100% दे पाएगा और अपने कार्य के प्रति अधिक से अधिक रुचि ले सकेगा। उसके बाद है उच्च गुणवत्ता, यानी एक अच्छा शिक्षक जो है उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसके गुण है वो उच्च प्रकार के होने चाहिए। उसके बाद है नेतृत्व संबंधी शक्ति, यानी जो उसकी जो नेतृत्व संबंधी शक्ति है उसकी जो लीडरशिप है वह उच्च प्रकार की होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति का विकास उच्च होना चाहिए, इसलिए कहा है कि नेतृत्व संबंधी शक्ति होनी चाहिए उसमें। फिर इसमें धैर्यवान, यानी एक अच्छा जो शिक्षक है वह धैर्यवान होता है और हर कार्य को धैर्य से वह आराम से करता है। उसके बाद है विनोद प्रिय, यानी अच्छा शिक्षक विनोद प्रिय, हंसी मजाक वाला और विनोद प्रिय होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को उसको देखकर ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है उत्साह, यानी जो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जिसमें उत्साह की भावना होती है, उत्साह होता है, अपने कार्यों को बढ़ चढ़कर वह उत्साह पूर्वक करता है, इसलिए एक अच्छे शिक्षक में उत्साह का होना आवश्यक है। उसके बाद है आत्मविश्वास, यानी अच्छे शिक्षक को आत्मविश्वास होना आवश्यक है, यानी हर काम वह आत्मविश्वास की भावना से करता है और आत्मसम्मान की भावना से करता है, इसलिए एक अच्छे शिक्षक में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान दोनों होना आवश्यक है। फिर है अच्छा चरित्र, यानी अच्छे शिक्षक का चरित्र उच्च कोटि का तथा अच्छा होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थियों को सीख दे सके, क्योंकि शिक्षक जो है विद्यार्थियों का आइडल होता है, नेता होता है, इसलिए उनको देखकर शिक्षक को देखकर विद्यार्थी उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए एक अच्छे शिक्षक का चरित्र भी उच्च कोटि का और अच्छा होना चाहिए। अब ये दूसरा अपना संबंध स्थापित करने का गुण, यानी सबसे पहले है इसमें विद्यार्थियों के साथ संबंध, जो अच्छा शिक्षक है उसके विद्यार्थियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, यानी ये जो है संबंध स्थापित करने के गुण में जैसे विद्यार्थी जो है उसका या उनके साथ एक शिक्षक के संबंध ऐसे होने चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अपनी सारी जो है सारी जो बातें उससे अपने शिक्षक से शेयर कर सके। उसके बाद है साथी अध्यापकों के साथ व्यवहार, यानी एक अच्छा शिक्षक जो है अपने साथी अध्यापकों के साथ व्यवहार मधुर रखता है और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जिसे देखकर अन्य अध्यापक भी सीख लेते हैं। फिर प्रधान अध्यापकों के साथ उनका व्यवहार या संबंध, यानी अच्छे शिक्षक का प्रधान अध्यापक या उनके साथ अच्छे संबंध होने आवश्यक है। फिर अभिभावक के साथ संबंध, यानी अभिभावक के साथ संबंध भी मधुर होने चाहिए जिससे कि अभिभावक अपने बालकों की या अपने
स्कूल में पढ़ने वाले जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उनकी सारी कठिनाइयों का शिक्षक से विचारपूर्ण रूप से उनको अपनी समस्याएं कह सके, बोल सके तथा उनके जो है हल निकाल सके। उसके बाद है समाज के साथ संबंध, यानी एक अच्छा शिक्षक वह होता है जिसके समाज के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं तथा समाज के साथ सम्मान की भावना रहती है, समाज को एक साथ लेकर एकजुट होकर रहकर कार्य करना करता है। इसलिए कहा है कि एक अच्छा शिक्षक वह है जिसमें ये संपूर्ण विशेषताएं तथा गुण होते हैं तथा वह उन्हीं गुणों को लेते हुए वह अपनी अच्छाइयां तथा विशेषताओं को प्रकट करता है तथा एक आदर्श शिक्षक के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होता है, विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत होता है तथा और अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करता है अपने आप को। धन्यवाद।